कल हमने ब्लैक बॉडी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा आइडिया लिया था, ठीक है। रेडिएशन के बारे में आइडिया लिया था कि हर बॉडी से अपनी हर बॉडी एट ए टेम्परेचर अबव ज़ीरो केल्विन, कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर ज़ीरो केल्विन से ऊपर है, ये बॉडी अपने अंदर से लगातार रेडिएशन एमिट करती रहती है, ठीक है। और एक ऐसी बॉडी जो अपने अंदर से हर तरह का रेडिएशन एमिट करे, हर वेवलेंथ एमिट करे, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, या सूटेबल कंडीशन में ऐसी बॉडी जो हर तरह की वेव्स को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, उसे भी हम क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है। तो रेडिएशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। आज उन रूल्स को हल्का हल्का सा आइडिया लेते हैं, डिटेल नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, हल्का हल्का सा आइडिया लेंगे, ठीक है। पहला तो जो डेफिनेशन हमें समझनी है वो है एमिटेंस। एमिट करना मीन्स बाहर निकालना अपने अंदर से। एक बॉडी है, ये अपने अंदर से एनर्जी बाहर निकाल रही है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इस बॉडी के पर यूनिट एरिया से, इस बॉडी की यूनिट एरिया सरफेस से यूनिट टाइम में, एरिया वन यूनिट, टाइम वन यूनिट, जितनी भी एनर्जी बाहर निकल रही है, इट विल बी कॉल्ड एमिटेंस। ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम, यानी कि छोटी वेवलेंथ की भी एनर्जी इसमें आपने काउंट कर ली, मीडियम वेवलेंथ की एनर्जी भी इसमें आपने काउंट कर ली, और जो बहुत बड़ी वेवलेंथ है उसकी भी, जितनी भी वेवलेंथ पॉसिबल है, कहाँ से, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, सारी की सारी वेवलेंथ पर एमिट होने वाली एनर्जी पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, इसे हम कहेंगे एमिटेंस ऑफ द बॉडी, करेक्ट। एक तो ये हुआ एमिटेंस, इसके साथ साथ एक वर्ड और समझ लेते हैं पहले हम, फिर लिखेंगे। एमिटेंस के साथ साथ ही एक वर्ड आता है मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस। मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस का मीनिंग हो जाएगा एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर। यानी कि आपने देखा कि 4000 एंगस्ट्रॉम पर कितनी एनर्जी यहां से एमिट हो रही है, 4000 एंगस्ट्रॉम से कम वेवलेंथ पर एमिट होने वाली एनर्जी आपने कंसिडर नहीं की, 4000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर एमिट होने वाली एनर्जी आपने कंसिडर नहीं की, तो केवल 4000 वेवलेंथ पर कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, इस एनर्जी को हम बोलेंगे मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस। थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर, आपने हॉट बॉडीज बहुत सारी देखी है, बहुत सारी हॉट बॉडीज अपनी लाइफ में आप देखते हैं, एक नॉर्मल हॉट बॉडी आपके कपड़ों पर करने वाली आयरन, ठीक है, इसमें से एनर्जी रेडिएट हो रही है, इसमें से एनर्जी निकल रही है, लेकिन वो एनर्जी निकलती हुई हमें दिखाई नहीं देती। बिल्कुल अंधेरे में अगर गर्म आयरन रखा हुआ है तो क्या आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि उसमें से निकलने वाली एनर्जी हमारे विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में नहीं आ रही, जिस लाइट को हम देख सकते हैं वो लाइट नहीं है, वो एमिशन ऑफ एनर्जी है ओवर इंफ्रारेड रीजन। यानी जब टेम्परेचर लोहे का बहुत ज़्यादा नहीं है तो फिर एमिट होने वाली एनर्जी किस वेवलेंथ पर होगी, एमिट होने वाली एनर्जी की वेवलेंथ आपकी 7800 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ी होगी,
7800 एंगस्ट्रॉम होता है रेड कलर की वेवलेंथ। इससे भी बड़ी वेवलेंथ हम कहेंगे इंफ्रारेड, हमें दिखाई तो देगी नहीं वो। अब आपने लोहा गर्म करते हुए भी देखा है किसी ना किसी को, लोहार को जो तरह तरह की शेप बनाते हैं, चाबियां बनाते हैं, दूसरी चीजें बनाते हैं गर्म करके, वो इतना गर्म कर लेते हैं कि वो दिखाई देने लगता है। अंधेरे में भी होगा वो तो आपको दिखाई दे जाएगा, जब उजाले में दिखाई देता है लाल रंग का बिल्कुल, अंधेरे में दिखाई दे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब उस लोहे में से 7800 एंगस्ट्रॉम जो कि रिप्रेजेंट करता है कौन सा कलर, रेड कलर, रेड कलर की लाइट भी एमिट होनी शुरू हो गई है, रेड कलर की लाइट भी एमिट होनी शुरू हो गई है। तो इस लोहे के टुकड़े में से जो रेड हॉट है रेड कलर की लाइट निकल रही है, लेकिन इस लोहे के टुकड़े के पास भी अगर आप हाथ ले जाकर देखेंगे तो आपको दूर से ही गर्माहट महसूस हो जाएगी। इसका मतलब इन्फ्रा रेड रेज भी यहां से निकल रही है, जो गर्मी देने वाली रेज हैं, जिन रेज से हम गर्माहट फील करते हैं वो रेज है इन्फ्रा रेड रेज। करेक्ट, किसी भी बॉडी में से इन्फ्रा रेड रेज अगर निकल रही है, इन्फ्रा रेड वेव्स निकल रही हैं, तो उस बॉडी के दूर से ही आप हाथ लगाए हाथ रखेंगे आपको अपने हाथ पर गर्माहट फील हो जाएगी। तो रेड हॉट जब हो गया एक आयरन का टुकड़ा, उसमें से रेड कलर विजिबल भी निकल रहा है और इन्फ्रा रेड भी निकल रहा है जो गर्माहट का एहसास देता हमें। करेक्ट, कुछ एनर्जी इन्फ्रा रेड के फॉर्म में निकल रही है, कुछ एनर्जी रेड कलर की फॉर्म में निकल रही है। अब इसमें आपने एक स्पेक्ट्रोमीटर इसके सामने रखा, स्पेक्ट्रोमीटर को एडजस्ट किया और उसने केवल उस एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया जो एनर्जी रेड कलर की लाइट की फॉर्म में निकल रही थी। तो अब ये वाली एनर्जी आपकी कहलाई जाएगी मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, किसी एक कलर की, किसी एक वेवलेंथ की लाइट। और आपने स्पेक्ट्रोमीटर रखा, उसमें सारी की सारी एनर्जी आपने कैलकुलेट करवा ली कि चाहे वो इंफ्रारेड है या रेड है या फार इंफ्रारेड है, जितनी भी तरह की वेवलेंथ निकल रही है सब उसने एक्सेप्ट करी, आपको बता दिया कितनी एनर्जी निकल रही है। तो ये हो जाएगा आपका एमिटेंस। क्लियर हुई बात? एमिटेंस, सिंपली जब आप एमिटेंस बोलते हैं इसका मीनिंग टोटल एनर्जी एमिटेड वॉट एवर बी द वेवलेंथ ऑफ एमिटेड लाइट। और जब आप मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस कहते हैं तो मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस का मीनिंग हो जाता है एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ठीक है, अब ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ में भी थोड़ा सा हम यहां मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं कि हमें रेड कलर का एमिटेंस कैलकुलेट करना है, रेड कलर के लिए एमिटेंस कैलकुलेट करना है, तो हम केवल 7800 एंगस्ट्रॉम पर कन्फाइंड नहीं रहेंगे, एक छोटी सी रेंज बना ली। कितनी? 7800 एंगस्ट्रॉम से आधा एंगस्ट्रॉम कम और 7800 एंगस्ट्रॉम से आधा एंगस्ट्रॉम ऊपर। ठीक है, बीच में इनका कौन सा आ गया? 7800 एंगस्ट्रॉम आ गया। करेक्ट, तो 7800 एंगस्ट्रॉम से आधा एंगस्ट्रॉम कम और 7800 एंगस्ट्रॉम से आधा एंगस्ट्रॉम ज्यादा। इस पूरी रेंज में जितनी भी लाइट एमिट हो रही है हम उस लाइट को कहेंगे दिस इज द लाइट एमिटेड ओवर 7800 एंगस्ट्रॉम। बीच में तो ये पड़ा ना, इससे आधा एंगस्ट्रॉम नीचे, इससे आधा एंगस्ट्रॉम ऊपर की वेवलेंथ भी आपने कैलकुलेट कर ली। क्लियर हुई बात? ये तो हुआ एमिटेंस। एमिटेंस, एमिटेंस मतलब एमिटेंस अपने अंदर से लाइट एनर्जी को एमिट करना, अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालना। इसका कन्वर्स हो जाएगा एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस पूरे यूनिवर्स में जो भी बॉडी अबव जीरो केल्विन है वो अपने अंदर से एनर्जी एमिट करती रहती है, और हर बॉडी इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं से एनर्जी गेन भी करती रहती है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी इस टाइम एनर्जी एमिट भी कर रही है
और अपने सराउंडिंग से, इस सराउंडिंग में बहुत तरह की वेवलेंथ फैली हुई है, वो हमारी स्किन पर जा रही है, स्किन पर एब्जॉर्ब हो गई, तो वो एनर्जी हम रिसीव भी कर रहे हैं, रिसीव भी कर रहे हैं लगातार। हर बॉडी की बात है, इन दीवारों से बाहर, सूरज से, इन सब से रेडिएशन आ रहा है, हमारी बॉडी पर जा रहा है और हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो ये रिसीव करना, एक्सेप्ट करने वाला क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी के एक यूनिट सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम में जितनी भी एनर्जी एक्सेप्ट हो रही है, जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वॉट एवर बी द वेवलेंथ, चाहे वो रेड हो या इंफ्रा रेड हो या वायलेट हो या अल्ट्रावायलेट हो, इसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्बटेंस बोलेंगे। और जब इसमें वर्ड लगा देंगे मोनोक्रोमेटिक, तो फिर क्या हो जाएगा? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी जो रिसीव कर रही कोई भी बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो अब ये क्या कहा जाएगा? मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्बटेंस कहा जाएगा इसको। क्लियर हुई चार टर्म्स ये? क्लियर हुई? एमिटेंस बाहर निकालना, एब्जॉर्बटेंस रिसीव करना, एक्सेप्ट करना, एब्जॉर्बटेंस, एक्सेप्टेंस, एब्जॉर्बटेंस, एब्जॉर्ब करना। जब हम इसमें वर्ड मोनोक्रोमेटिक नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, एवरी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे वो किसी भी वेवलेंथ पर है। और जब मोनोक्रोमेटिक लगा देंगे तो फिर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ओवर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। और पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए उससे आधा एंगस्ट्रॉम नीचे और आधा एंगस्ट्रॉम ऊपर आपने दोनों ले लिए। क्लियर है? लिखें चारों पॉइंट, ये लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखते हैं एमिटेंस, EMITTANCE, एमिटेंस, एमिटेंस, द टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड, टोटल एनर्जी एमिटेड, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया विद इन अ यूनिट वेवलेंथ, विद इन अ यूनिट वेवलेंथ, विद इन अ यूनिट वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम। यहां यूनिट हम 1 मीटर नहीं लेंगे, 1 एंगस्ट्रॉम लेंगे, ब्रैकेट में लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज फ्रॉम लैम्डा माइनस 1/2 एंगस्ट्रॉम। नहीं, हम क्या लिख रहे हैं? सिंपली एमिटेंस लिख रहे हैं या मोनोक्रोमेटिक लिख रहे हैं? एमिटेंस। तो हो, तो क्या लिखा अभी आपने, उसे काटिए जरा, क्या लिखा है? फिर से मैं बोल रहा हूं, द टोटल एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम, ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम वेवलेंथ 0 to infinity, रेंजिंग फ्रॉम वेवलेंथ 0 to infinity, 0 to infinity इज कॉल्ड एमिटेंस, इज कॉल्ड एमिटेंस। ऐसा यूनिट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर, वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब लिखते हैं मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस। द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी, द एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया विद इन
within range of unit wavelength, within range of unit wavelength, और unit wavelength के साथ bracket में लिखेंगे 1 angstrom, from lambda plus half, from lambda plus half, bracket close, bracket में लिखी lambda plus half, to lambda minus half, बल्कि उल्टा लिख दिया पहले हमने, from lambda minus half to lambda plus half, is called emittance over, is called monochromatic emittance over wavelength lambda, over wavelength lambda, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं हम, एब्जॉर्प्टेंस, एबीएसओआरपीटीएनसी, एब्जॉर्प्टेंस, ओके, एबीएसओआरपी, एब्जॉर्प्टेंस, तो क्या लिखेंगे इसे हम, जैसे एमिटेंस बना था वैसे ही बना दीजिए, क्या बनेगी डेफिनेशन, द टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ओवर द एंटायर स्पेक्ट्रम रेंजिंग फ्रॉम 0 to infinity, रेंजिंग फ्रॉम वेवलेंथ 0 to infinity इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है। और मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक की डेफिनेशन बना दीजिए, ठीक है, लिखिए जल्दी से। हाँ जी, आपने समझा अभी एमिटेंस एंड एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है। तो ये दो वर्ड हम एमिटेंस और एब्जॉर्प्टेंस यूज करते हैं, किसी भी बॉडी के लिए यूज किए जा सकते हैं, हर बॉडी एमिटर भी है एब्जॉर्बर भी है, ठीक। अब यहीं से एक वर्ड और थोड़ा सा समझ लेते हैं, सिंपल है बिल्कुल, रिलेटिव एमिटेंस एंड रिलेटिव एब्जॉर्प्टेंस, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ा था, और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन मीडियम आपने पढ़ा था। तो ऐसे ही एब्जॉर्प्टेंस और एमिटेंस, किसी भी बॉडी के एमिटेंस का रेशियो ले लीजिए एमिटेंस ऑफ ब्लैक बॉडी के साथ में। भाई एक जनरल ये बॉडी आपकी, इसका आपने एमिटेंस फाइंड कर लिया कितनी एनर्जी एमिट हो रही है, दूसरी बॉडी आपकी ब्लैक बॉडी, इसकी भी फाइंड कर लीजिए, इस बॉडी के एमिटेंस को ब्लैक बॉडी के एमिटेंस से डिवाइड कर दीजिए, अब जो रेशियो आपको मिलेगा ये कहलाएगा रिलेटिव एमिटेंस। इसी तरह इस बॉडी के एब्जॉर्प्टेंस को ब्लैक बॉडी के एब्जॉर्प्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, अब जो रेशियो आपको मिलेगा ये कहलाएगा रिलेटिव एब्जॉर्प्टेंस, ठीक है, लिख लीजिए इसे जल्दी से। हाँ, क्या लिख हेडिंग डालते हैं, रिलेटिव एमिटेंस, द रेशियो ऑफ एमिटेंस ऑफ बॉडी to the emittance of perfectly black body, ठीक है, is called relative emittance। और फिर ऐसे ही कर लीजिए आप, क्या, रिलेटिव एब्जॉर्प्टेंस,
रिलेटिव एब्जॉर्बेंस क्या होगा, द रेशियो ऑफ द एक रुकिए जरा सर, बात समझिए। कई डेफिनेशंस में हम ये लिखते हैं द रेशियो ऑफ टू दिस, द रेशियो ऑफ दिस टू दिस, कई अब तक डेफिनेशंस में ये वर्ड आ चुके हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लिखा था हमने शुरू में ही। इस तरह और बहुत सारी डेफिनेशंस हम लिखते हैं। आप में से कई एक मिस्टेक करते हैं इस डेफिनेशन को लिखने में, आप क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये रेशियो वर्ड दो बार यूज नहीं करना होता। क्या लिखते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, नहीं, रेशियो तो एक ही है, रेशियो तो एक है, दो क्वांटिटीज का एक रेशियो है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, एक रेशियो हुआ ना दो से मिलकर के, दो बार रेशियो नहीं वर्ड लिखना है, याद रहेगी बात ये। कई बार कई आप में से कई की कॉपियों में ये बात लिखी हुई देखी है, लिखते हैं हम इसे, क्या लिखते हैं, क्या लिखा था अभी, द रेशियो ऑफ एमिटेंस ऑफ ए बॉडी टू द एमिटेंस ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव एमिटेंस, और इसी तरह बना दीजिए रिलेटिव एब्जॉर्बेंस।